एकदम शुरू में जब भी मैं बहुत छोटा था और जब भी इंट्रोडक्शन जब भी हुआ था तो तभी तो मैं सिर्फ गुरुजी के जो क्लासेस थे वो सुनता था, तो और उस तरीके से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ और फिर वही गुरुजी के जितने भी कॉन्सर्ट्स रहे हो या गुरु पूर्णिमा वही सुनता था, बाकी ऐसा स्पेसिफिक नहीं था। जब भी मैंने प्रॉपर तालीम गुरुजी डॉक्टर राम देशपांडे जी के पास शुरू की तो एक्चुअली आई वुड से कि प्रोफेशनली मेरा जर्नी म्यूजिक की तरफ शुरू हुआ। और तभी अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे तो शुरू के जो एक 4 से 5 साल होते हैं जो मैंने भी किया और आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि वो एक जो अपनी स्टाइल है अपने गुरुजी और उनकी परंपरा के जितने भी कलाकार हैं उनका सुने और वो 4-5 साल इन्वेस्ट करे कि वो जो अपनी एक गायकी है या जो भी घराना है उसकी प्रॉपर तालीम ले। और वंस यू आर यू नो फेयरली कंफर्टेबल विद दैट देन आपका एक्चुअली जर्नी शुरू होता है टू फाइंड योर ओन आइडेंटिटी और एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी क्योंकि जब भी आप 4-5 साल के लिए इन सबका सुनते हैं तो यू स्टार्ट सिंगिंग उनके जैसा ही, तो एक अलग जर्नी शुरू होता है कि इसके बाहर कुछ अलग जाके भी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है। तो तभी आप जितना हो सके वो सारे कलाकार और स्पेशली जो हम मैंने क्या किया कि जितने भी पुराने कलाकार है जितना पुराना अवेलेबल हो सकता है जैसे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब है, उस्ताद अमीर खान साहब है, पंडित जसराज जी तो थे ही अभी तक,
पंडित डी वी पलुस्कर जी है, पंडित शरद चंद्र आवलकर जी है, फैयाज खां साहब है, जितना पुराना आप सुन सकते हो, बिकॉज वो क्या है, आप जितना ओरिजिनल की तरफ जाके सुन सकते हो वो उतना अच्छा है, क्योंकि ओवर द टाइम म्यूजिक में यही नहीं इवॉल्व होते गया है अपने अपने तरीकों से, सबने उनसे कुछ ना कुछ सीख के अपनी अपनी स्टाइल बनाई है। तो अगर आपको अपनी स्टाइल बनानी है तो जिन्होंने ऑलरेडी कुछ स्टाइल बनाई है उनका सीखने से अच्छा, जितना आप पुराने कलाकारों का ओरिजिनल सुन के आप सुनोगे तो वहां से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो दिस इज हाउ आई इन्वेस्टेड दैट टाइम। जी, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। तो मैं गुरुजी डॉक्टर रामदेश पांडे जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे बहुत सीरियसली मैं कह सकता हूँ कि तालीम जिसे कहते हैं वो शुरू ही। तो एक है कि नॉर्मल सिखाना, बट गुरु जिसे हम कहते हैं, तो गुरु आपके सीखने के प्रोसेस में उतने ही इन्वॉल्व होते हैं जितना आप होते हैं। तो मतलब इट इज एग्जॉस्टिंग एंड टायरिंग फॉर गुरु जी ऑल्सो। हम तो मेहनत करते ही है, पर उन्हें हमसे वो जो तंत्र जो भाग होता है उसका वो सिखाने में उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे जो गुरु जी, और मेरे में ऐसे नहीं, जितने भी उनके शिष्य थे सब में उतने इन्वेस्टेड थे और इन्वॉल्व थे उनका। मुझे अभी भी याद है जब मैंने शुरू में 1-2 साल हुए थे तो खुद 4 बजे उठ के वो फोन करते थे हमको कि ये रियाज करने के लिए उठा है या नहीं। तो लकीली 1-2 बार, 2 बार जब भी उन्होंने किया था तो मैं जगा हुआ था और रियाज शुरू था, पर जिनका नहीं था उन्हें बहुत डांट पड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि, और उनका हमेशा ये प्रिंसिपल हुआ है आज तक, और आज तक मैं कहूंगा कि जो खुद चीज उन्होंने नहीं की वो उन्होंने कभी हमें करने को नहीं कही है। तो जो भी कुछ हमसे वो एक्सपेक्ट करते थे वो पहले खुद करते थे और हमने देखा है उन्हें करते। तो जब भी आपके गुरुजी खुद आपके सामने वो करते हैं तो इट बिकम्स बहुत एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल हो जाता है। मोटिवेशन तो बिल्कुल खैर बहुत टेम्पररी होता है, बट इट बिकम्स लाइक एन इंस्पिरेशन। और वो इतने इन्वेस्टेड थे कि उनका ध्यान रहता था कि हाँ इसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है क्या। और जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि क्लास में, और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहूंगा कि आप गुरुजी के घर में जाके जो क्लास में सीखते हो दैट इज हार्डली 30-40%, क्योंकि बाकी का पूरा 60% आप गुरुजी के जितने प्रोग्राम्स में जाके उनको स्वर साथ कहो या उनका प्रोग्राम सुनो, जितना वो करोगे उससे सीखने मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि लिसनिंग, क्योंकि क्लास में कैसा होता है जब भी आपकी तालीम होती है तो वो जितना रॉ फॉर्म में आपको सिखाने का या टेक्निक्स और ये सब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्र हो तंत्र हो जो भी हो, पर उस सबका जो भी आप सीख रहे हो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है जो एस्थेटिकली लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत होना चाहिए वो तभी आपको समझेगा जब आप उन्हीं के कॉन्सर्ट सुनते हो। और अगर उन्हें पीछे तानपुरा साथ या स्वर साथ करने बैठोगे तो उसमें बहुत सीखने मिलता है, क्योंकि वो बहुत एक डेंजरस अपॉर्चुनिटी रहता है। क्योंकि मजा तो बहुत आता है पीछे सुनने में, पर एक बहुत डर रहता है कि किसी भी समय गुरुजी पीछे देख के बोलेंगे कि अभी तुम गाओ, तो बहुत ही टेंशन वाला ये रहता है। और उन्होंने एक, मैं जरूर दर्शकों से एक शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमें सिखाया इस तरीके से है कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास सीख रहा था और गुरु पूर्णिमा थी हमारी, और मैं ऐसे ही एक सीनियर स्टूडेंट के पीछे बैठ गया था, तो मेरा कुछ ऐसा इतने राग उन्होंने सिखाए नहीं थे तभी, तो वो कुछ मिलता नहीं, उन्होंने गाना शुरू कर दिया जो मैंने कभी सुना नहीं था या कुछ नहीं, और मैं सिर्फ तानपुरा पे बैठा था। और सडनली एक 20-25 मिनट के बाद गुरु जी ने नीचे से बोला कि अभी पीछे से आदित्य को गाने दो, और मैं कुछ गा ही नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं गा पाया, मैं तो ऐसा आई जस्ट फ्रोज। मेरे को एक तो मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे गाने बोलेंगे, और वो राग भी मुझे नहीं सिखाया था कुछ नहीं, तो मैं कुछ नहीं गा पाया एनी वेज। तो दैट मोमेंट पास, तो मैं जब भी नीचे आया तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी उस चीज की। तो मैंने उनको बताया पर गुरु जी ये आपने सिखाया नहीं है मुझे, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, लाइक सिखाने के बाद तो कोई भी गा सकता है ना, लाइक तुम पीछे बैठ के आधे घंटे से, वो सीनियर स्टूडेंट वही राग गा रहा था, तो आधे घंटे से तो तुम सुन रहे हो ना कि क्या गा रहा है, तो तुम एकाध आवर्तन तो तुम्हें गाने आना चाहिए, नहीं तो तुम क्या सुन रहे हो, सिर्फ मजा ले रहे हो। तो
तो उन्होंने वो चीज बहुत, और वो मेरे ध्यान में बहुत उस दिन से है कि गाना जब भी आप सुनने जाते हो, और वो मैं अभी भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलमोस्ट हमेशा बताते रहता हूँ कि अगर आप कोई भी गाना सुन रहे हो तो लिसन टू अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, ना कि एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह. बिकॉज नॉर्मल ऑडियंस तो आराम करने के लिए या अच्छा लगने के लिए या उससे मजा लेने के लिए गाना सुनते हैं, पर स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक को ऐसे गाना नहीं सुनना है. उसे मतलब कान में तेल डाल के गाना सुनना है कि अभी उसने क्या किया, आज क्या अलग किया, या ये राग आज अलग क्या प्रस्तुत किया. तो ये जो लिसनिंग का भी जो एक संस्कार है वो हमारे गुरुजी ने हमें इनकलकेट वैसे किया था. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और उनका ये, और आज भी मैं किसी कॉन्सर्ट में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ जाके आया, तो वो हमेशा पूछते हैं कि क्या गाए, और क्या गाए मतलब सिर्फ राग नहीं, कौन सी बंदिश गाए. क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जब भी शुरू करने या शुरू किया था और मैं सवाई गंधर्व सुनने गया था, मुझे अब क्योंकि बहुत एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और 3 4 दिन सबका सुना मैंने, और बाद में आके गुरुजी को बोला बहुत मजा आया. तो बोले कि क्या क्या किसने क्या क्या गाया, तो मैंने बोला इसने ये गाया, पहला राग ये गाया, दूसरा राग ये गाया. तो बोले फिर क्या क्या बंदिशे गाए, तो मैंने बोला उतना तो याद नहीं है. तो उन्होंने कहा क्यों याद क्यों नहीं है. बोले 1 घंटे के लिए वो एक बंदिश गा रहे थे, एक राग गा रहे थे. मतलब तुम्हारा ध्यान किधर था, अगर 1 घंटे के लिए कोई गा रहा हो तुम्हें बंदिश के पहले 2 3 शब्द भी याद नहीं है, मतलब कोई कॉन्सेंट्रेशन से सुनना ही नहीं है. तो ऐसे तो अभी भी मैं किसी कॉन्सर्ट में जाता हूँ तो पूछते हैं कि उसके बाद क्या बंदिश गया, अच्छा फिर क्या गाया, कौन सा राग. तो वो एक आदत हो जाता है. और अभी, और दिस इज हाउ यू शिष्यों को तैयार करते हैं ना जैसे, तो उसमें हर तरीके से, सिर्फ गाना सिखाना नहीं, गाना सुनना कैसे है, गाने के ऊपर विचार कैसे करना है, हर तरीके से गुरु जी का मार्गदर्शन बहुत गहराई से हमें मिला है. जी, इसका भी थोड़ा सा लॉन्ग होगा आंसर, सो बेयर विद मी. कोई बट ये हुआ कि मैं सीए होने के बाद गाना तो चल ही रहा था और जॉब भी कर रहा था. आई वॉज वर्किंग इन जेपी मॉर्गन एट दैट टाइम. और काकपुर मुझे हमेशा से एक मन में इच्छा थी कि मुझे फुल टाइम म्यूजिक करना है. तो पर वो गुड मोमेंट कभी आ नहीं रहा था. तो फाइनली 4 5 साल के बाद, नौकरी करने के बाद, मैंने ठान लिया कि आई विल क्विट माई जॉब, गुड पेइंग जॉब, एंड आई विल डू फुल टाइम म्यूजिक. एंड थैंकफुली मतलब एवरी वन इन माई फैमिली, माई वाइफ, उनके पेरेंट्स, सभी ने सपोर्ट किया. लाइक सपोर्ट के मामले में मुझे आई वुड से वेरी लकी कि कभी किसी ने ऐसा, दे नेवर मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी, रादर दे सपोर्टेड इन वट एवर आई डिसाइडेड. तो ये डिसीजन लेके फिर मैंने जॉब भी क्विट कर लिया. और सडनली जॉब क्विट करने के बाद मेरा पूरा ध्यान था कि मुझे अभी फुल टाइम म्यूजिक करना है. और मुझे कॉल आ गया उनके प्रोड्यूसर के टीम से कि हमें हमें ऐसा एक फिल्म बना रहे, तो हमें प्रोटैगनिस्ट के लिए हमको ऑडिशन लेना है. तो मुझे तो पहले लगा कि, सबसे पहला तो मुझे कॉल आया तो मुझे लगा कि ये प्रैंक कॉल है, क्योंकि हम ऐसे ही दोस्त एक दूसरे से कभी मजाक मस्ती में कर लेते हैं. तो मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आऊंगा, अच्छा है, और रख दिया उसे, मैं भूल भी गया उसके बारे में. तो 1 1.5 हफ्ते के बाद उनका फिर से जब भी फोन आया तो आई थॉट कि नहीं ये कुछ सीरियस है. तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, आपको अगर प्लेबैक सिंगिंग के लिए या कुछ चाहिए तो मुझे जरूर अच्छा लगेगा, बट एक्टिंग का मुझे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है. तो उन्होंने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको अगर हम आपको ट्रेन करेंगे तो आपको इच्छा है क्या. तो मैं बोला कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, किसे इच्छा नहीं होगी. और वैसे करके हमारे जो डायरेक्टर है, वेरी रिनाउंड, वेरी क्रिटिकली अक्लेम डायरेक्टर है, चैतन्य तामाने जी, तो ही मेट मी. और कैसा रहता है कि उनका एक जो केमिस्ट्री होता है ना, जो फर्स्ट मीटिंग में ही आपको पता चल जाता है कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, और वाइस वर्सा. तो वो फर्स्ट मीटिंग में ही जो डिस्कशन हुआ उससे मुझे लगा कि आई कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट हिम. एंड उनके लिए तो बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुझ पे ट्रस्ट करना इसके लिए. बट देवर लाइक कि उन्होंने ऑडिशन भी कराया, और लकीली वो ऑडिशन भी अच्छा हुआ उन्होंने, बिकॉज दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल कि ऐसा दे डोंट पुट मी इन अ स्पॉट कि अरे अभी आपको एक्टिंग करना है, और ऐसा नहीं, दे गेव मी दैट टाइम. और ऑडिशन करके, और द रीजन मैं कहूंगा कि वाई ही सिलेक्टेड मी ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक ये जो शरद नेरुलकर का रोल था उसके लिए लाइक आई डोंट इवन नो द काउंट कितने लोगों ने उसके लिए
ऑडिशन किया था। जितने भी म्यूजिक के मेरे मैं जिन्हें जानता हूँ म्यूजिक में, उस सभी ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन किया था। और इवन एक्टिंग के, टेलीविजन इंडस्ट्री और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, उन्होंने भी, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए ऑडिशन दिया था। सो आई वॉज रियली लक्की दैट आई वॉज सिलेक्टेड, मेजरली बिकॉज चैतन्य जो है हमारे डायरेक्टर, उनका अप्रोच बहुत रियलिस्टिक है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो इट्स मोर अबाउट ट्राइंग टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। तो उन्हें एक्टिंग नहीं, लाइक ही वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी एज क्लोज टू रियल एज पॉसिबल इन द फिल्म और ऑन द स्क्रीन। और कैसा है कि जनरली जब भी ऐसा कोई रोल होता है तो वी कास्ट गुड एक्टर्स हु कैन सिंग, बट उनका ये था कि नहीं, मुझे ऐसा सिंगर कास्ट करना है हु कैन एक्ट। क्योंकि कैसा है कि जब भी आप बड़े, जैसे आप ड्रामा या थिएटर करते हो तो वहां पे थोड़ा लाउड एक्टिंग या जो भी है वो करनी पड़ती है, बट व्हेन यू आर इन अ टाइट क्लोजअप स्क्रीन पर, तो वहां पे उन्होंने सिखाया था कि लेस इज मोर। तो उनको ज्यादा आपको वो इंटरनलाइज करना पड़ता है वो इमोशंस, और वो रादर देन एग्जिबिटिंग इट इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो अगर आप इसे फेक करने जाओगे तो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, स्पेशली ऑन अ इंटरनेशनल स्टेज, बिकॉज ही ऑलवेज मेक्स फिल्म्स फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस। तो हिज कॉम्पिटिशन ऑलवेज इज विद द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स एंड हॉलीवुड एंड ऑल दैट स्टफ। तो दैट्स वाई ही चोज, यू नो, कि आई हैव टू फील ऑल दैट इमोशंस। तो दैट्स हाउ यू नो ही ऑल्सो अप्रोच मी एंड ही कन्विंस मी कि वी वॉन्ट टू कास्ट यू, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन। ऑफकोर्स इट वॉज अ वेरी वेरी एनलाइटिंग एंड डिफरेंट डिफिकल्ट जर्नी ऑल्सो, बिकॉज लाइक आई वॉज सुपर ओवरवेट, मैं ओवरवेट था। तो मुझे ऑलमोस्ट 23 kgs कम करने थे 3 महीने में, क्योंकि मुझे 22 साल का दिखना था। तो हमने 22 साल तो मैंने किए, अफकोर्स उनके ट्रेनर्स वगैरह थे, तो मैंने वेट कम करके 22 साल का शूटिंग किया। और फिर इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा शूटिंग में ब्रेक था 20-25 दिन का, और 20-25 दिन में मुझे वापस जो मैंने लूज किए थे 20 किलो, वो वापस पुट ऑन करने थे। तो मुझे वापस 20 किलो बढ़ाने थे 20-25 दिन में क्योंकि मुझे सेकेंड हाफ के लिए 40 साल का भी दिखना था। तो इट वॉज अ वेरी यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और हमारे वर्कशॉप, जितना भी हमें शूटिंग के पहले टाइम मिलता था तो ही यूज टू गाइड मी। वर्कशॉप होते थे हमारे, कभी कभी वन ऑन वन होते थे, कभी कभी जिनके साथ सीन है उनके साथ होते थे। तो इट वॉज लाइक एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यू नो, कि ये चल रहा है और ट्रेन भी कर रहे हैं और उसके साथ शूटिंग भी हो रहा है और ऐसा। तो इट वॉज क्वाइट, आई विल से वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। पार्डन मी।